नमस्कार दगड़ियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि दोस्तों आप लोग सब ठीक के होंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग मैंने शुरू कर लिया है दोस्तों, पर दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ अनोखा है, कुछ अलग टाइप का है। आपको देख के भी दोस्तों आपकी आंखों में पानी आ जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाया था दोस्तों तो मेरे को भी अजीब सा लगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो में आज मैं ये लेके आया हूँ कि जो उत्तराखंड के विलेज हैं, जो उत्तराखंड के विलेज में गांववासी अपने घर छोड़ के परदेश बस गए हैं, तो उन घरों की हालत कैसी है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। और दोस्तों आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और जितने भी उत्तराखंड के वासी हैं जो प्रदेश में बस चुके हैं तो उन तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें। दोस्तों आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आपको वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे उत्तराखंड वासी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया अपने घरों को ऐसे खंडर बनने के लिए न छोड़ें। दोस्तों कई लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका एक घर होगा और गाँव होगा। ये दोस्तों ये उत्तराखंड में एक गाँव है जिसका नाम है उजराड़। दोस्तों ये उस गांव का वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। दोस्तों ये एक ही गांव नहीं, उत्तराखंड के हर गांव की हालत ऐसी हो रखी है। ये देखिए दोस्तों, पूरे घर क्षतिग्रस्त हो चुका है, खंडर तब्दील हो चुका है, घास फूस उग चुका है, दोस्तों पूरे घर टूट चुका है। दोस्तों ये एक ही घर की हालत नहीं है दोस्तों, उत्तराखंड में कई गाँव हैं जहाँ ऐसी हालत हो रखी है, और कई घर ऐसे भी हैं दोस्तों कि जहाँ पर अभी लोग रह रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने घर आइए, अपने घर की हालत देखिए, अपने घर को ठीक कीजिए। दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको अपने घर की ओर मुड़ना पड़ेगा। और तो दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तो दोस्तों चलिए आपको यहाँ के लोगों से कुछ जानकारी लेते हैं गांव के बारे में। तो तो सोलर है नहीं करें, चलो चलो अच्छा, तो सब शहर में रहनी मतलब ही अच्छा अच्छा। तो तुम्हें कौन नाम किया? मैं तल्ला हूँ, मल्ला मल्ला उजरा। ठीक ठीक। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अम्मा लोग थे, अम्मा से पूछा कि यहाँ इतना कम संख्या क्यों है, तो अम्मा ने भी अपने भाषण में बताया करीबन यहाँ 60 घर है, 60 में से 16 घर ही है जहाँ पे अभी लोग रह रहे हैं, और सभी घर बंजर मतलब खंडर बन चुके हैं जितने भी घर है। और तो दोस्तों मैं आपसे वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा ज़्यादा नहीं तो साल में एक दो बार तो घर आ सकते हो ना, और अपने घर को मेंटेनेंस कर सकते हो, ताकि आने समय में कभी भी आपको घर की ज़रूरत पड़े, उत्तराखंड आने की ज़रूरत पड़े तो आप अपने घर में रह सकते हो। दोस्तों यहाँ कम से कम आपको दिख भी रहा होगा कि ज़्यादातर हमको 60 साल से ऊपर के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अम्मा बब्बू लोग ही यहाँ पे रह रहे हैं अभी, और जो हमारे नौ पीढ़ी है वो सभी शहर में आपस निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं। दोस्तों मैं मानता हूँ कि आप जॉब के सिलसिले में जाते हो, लेकिन कम से कम अपने घर आने की तो कोशिश कीजिए साल में दो बार। दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे पूरा नीचे वो घर देखिए, आपको दिख भी रहा हो पूरा घर खंडर बन चुका है, और उसके अंदर लोगों ने घास रखा है जो यहाँ पे भी रह रहे फिलहाल के लिए। और उधर देखिए, आगे आपके और दिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही बुरी हालत है हमारे उत्तराखंड के जो गांव है, ये देखिए पूरा पूरे मकान के अंदर एक पेड़ उग चुका है दोस्तों, और ये पेड़ करीबन एक दो साल से नहीं दोस्तों, करीबन 3-4 साल से ऊपर तो लगे होंगे इस पेड़ को होने में। और देखिए दोस्तों पूरे मकान खंडर में तब्दील हो चुके हैं, कुछ ही मकान हैं जो अभी ठीक ठाक हैं, और दोस्तों वो भी आने वाले समय में वो भी खंडर में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो अम्मा बब्बू लोग हैं वही रह रहे हैं, और वो कितना साल जिएंगे, 10 साल 20 साल, उसके बाद तो दोस्तों घर तो ऐसे छूट जाएगा ना, जो तो 9 फीट है वो तो आ नहीं रहे घर। दोस्तों आगे आपको दिखाऊँगा पूरी घर मतलब खंडर बन चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पास में ही घर है तो इसके अंदर लेके चलता हूँ आपको। देखिए पूरा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, और उसके ऊपर झाड़ी भी उग चुकी है, देख भी रहा आपको वीडियो में पूरा घर टूट चुका है, आसपास झाड़ी ऊपर झाड़ी। दोस्तों मेरे समझ में नहीं आता है कि अपने देवभूमि उत्तराखंड को लोग कैसे छोड़ सकते हैं। चलो मानता हूँ कि जॉब के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन कम से कम साल में एक दो बार तो आना चाहिए ना। दोस्तों
धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोगों तक वीडियो को शेयर करें, और धन्यवाद दोस्तों।